सर जी ये थ्रेशर जो आपके खेत में अंदर चल रहा है कैसा लग रहा है आपको? भाई सिस्टम है वो बहुत बढ़िया लग रहा है हमारी तरफ में ना, ये आपका जो सिस्टम है बहुत ही कम है। मैंने तो मेरे खेत में आज तक चलाई नहीं है। तो यहाँ पर मोटासर में मेरा ये अलॉटमेंट हुआ मुर्गा है, यहाँ पर मैंने पहली बार देखा है। ये फंक्शन देखकर तो मेरे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। और जिस प्रकार से फरिया निकाल रहे हैं ना, हमारी जो फरिया ये साफ नहीं डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई दाना नहीं जा रहा है। और हमारी साइड में जो थ्रेशर है ना, उसमें यदि एक साथ फरी डाल दें तो उसमें दाने हैं ना ज्वार के, वो आगे बहुत चले जाएंगे। ये इस थ्रेशर की मैंने खासियत देखी, मेरे को अच्छा लग रहा है। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम पहुंचे हैं मोटासर जो तहसील बीजेनगर के अंदर है। तो हमारे किसान भाई गिल थ्रेशर चला रहे हैं, तो इनसे सबसे पहले इनसे अपना नाम और परिचय पूछते हैं। क्या नाम है? मोहताज कुमार। कहाँ से हो आप? मोटासर पांचे से। आप गिल थ्रेशर कब से चला रहे हो? 2 साल है। चलने में गिल थ्रेशर कैसा है? बढ़िया है गिल थ्रेशर, बढ़िया एवरेज है ट्रैक्टर की भी और बढ़िया है। तो आपने गिल थ्रेशर कब लिया? पिछले 2021 में। 21 में लिया, ओल्ड मॉडल लिया आपने। तो आपका ये ट्रैक्टर है, ये कितनी खपत कर रहा है डीजल की जो थ्रेशर के अंदर? 5 लीटर घंटे की। आपको गिल थ्रेशर चलाते हुए कभी परेशानी आई है? कभी नहीं आई है। तो आप जो ये गिल थ्रेशर लेके, जो और किसान भाई गिल थ्रेशर लेना चाहते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? कैसा है थ्रेशर? उन्हें थ्रेशर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? गिल थ्रेशर बढ़िया लेना चाहिए। आपका ये थ्रेशर जो गिल थ्रेशर है, ये घंटे के क्या एवरेज देता है? घंटे के 7-8 क्विंटल। सर जी ये थ्रेशर जो आपके खेत में अंदर चल रहा है कैसा लग रहा है आपको? भाई सिस्टम है वो बहुत बढ़िया लग रहा है हमारी तरफ में ना, ये आपका जो सिस्टम है बहुत ही कम है। मैंने तो मेरे खेत में आज तक चलाई नहीं है। तो यहाँ पर मोटासर में मेरा ये अलॉटमेंट हुआ मुर्गा है, यहाँ पर मैंने पहली बार देखा है। ये फंक्शन देखकर तो मेरे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। और जिस तरह से फरिया निकाल रहे हैं ना, हमारी जो फरिया ये साफ नहीं डाल रही है, किसी भी कोई दाना नहीं जा रहा है। और हमारे साइड में जो थ्रेशर है ना, उसमें यदि एक साथ फरी डाल दें तो उसमें दाने ना ज्वार के, वो आगे बहुत चले जाएंगे। ये इस थ्रेशर की मैंने खासियत देखी, मेरे को अच्छा लग रहा है। तो सर जी ये आपकी तरफ से इस थ्रेशर के बारे में किसान भाइयों को क्या कहना चाहिए? ये थ्रेशर कैसा है? मैं हमारे क्षेत्र में जाने के बाद में इस बात का क्या है, अच्छी लगी है मेरे को। मैं वहाँ पर मेरे किसान भाइयों को जरूर प्रदर्शन करूँगा कि आप ये चीनी दर्शकों को देखें, बढ़िया है, इसमें उसका बढ़िया है। तो सर जी प्रॉपर आपका एड्रेस बता दीजिए जो कि किसान भाइयों का अभी तक आपने नहीं बताया। देखो मैं वैसे मैं जमींदार नहीं हूँ, अब कोई आदमी हूँ, लेकिन जमीन होने की वजह से यहाँ पर आया हूँ। मेरे को ज़्यादा बता नहीं, लेकिन यह थ्रेशर नहीं देखती है। मैं वहाँ पर मेरे किसान भाइयों को जरूर जाकर के बताऊँगा कि वहाँ पर मैंने जुआ निकाला है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा है। किसान भाइयों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर हमारे चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप गिल थ्रेशर लेना चाहते हो तो जो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है वहाँ पे जाके आप संपर्क कर सकते हो, एक आप भी नया थ्रेशर ले सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं इस अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।